देखो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्नावली 9.4 का सवाल नंबर 19 बताऊंगा। सवाल नंबर 19, ज़्यादा समय देकर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो ताकि समझ में आ जाए। बड़ा सवाल है, 8 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लिखा है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये मान लीजिए कि गुब्बारा है, वो किसके आयतन की बात हो रही है और टी सेकंड बाद 3 सेकंड बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, माना टी सेकंड में गुब्बारे की त्रिज्या आर व आयतन बी है, ठीक है। अब आयतन बी में जो परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बोला जा रहा स्थिर गति से बदल रहा है। क्या आयतन? आयतन स्थिर गति से बदल रहा है, इसका मतलब हुआ कि आयतन में परिवर्तन की दर की बात हो रही है। आयतन में परिवर्तन की दर यानी dv/dt। हम नीचे dt क्यों लिखते हैं? जब भी परिवर्तन की दर बोलेगा तो दर मतलब समय के सापेक्ष, ठीक है। इस नाते समय का सापेक्ष dt लगाया गया है, ठीक है। तो dv/dt ये क्या है? स्थिर गति से। किस गति से? स्थिर गति से। मतलब क्या है? dv/dt स्थिर है, स्थिर मतलब अचर पद k है, k को हम अचर मान लेंगे। वो मान लो अगर शुरुआत में जितना बढ़ रहा है उतना आगे भी बढ़ेगा, उतना आगे भी बढ़ेगा। जैसे एक समान गति से घड़ी की सुई चलती है, टिक 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 टिक, वो स्पीड और स्लो नहीं चलती है ना, तो उसकी गति को अचर मानेंगे आप। तो उसी तरीके से जो गुब्बारा फूल रहा है वो एक बराबर गति से फूल रहा है, इस नाते उसको हम अचर पद के मानेंगे। अब v की जगह पर v का वैल्यू v बराबर 4/3 πr³ होगा, तो d/dt v की जगह पर 4/3 πr³ बराबर k, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब 4/3 किनारे कर लीजिए, 4/3 किनारे कर लीजिए 4/3 π, तो dr³/dt, ऐसे समझिए इसको आप कि ये वाला dt इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा dr। r के सापेक्ष छोड़ रहा अवकलन, ठीक है ना, आर के सापेक्ष जब यह अवकलन हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 3r² (dr/dt) बराबर के। इसको समझिए आप, 4/3 π किनारे हो जाएगा भाई, अचर पद है। r³ का अवकलन हो जा 3r², r³ का अवकलन 3r², लेकिन t के सापेक्ष हो रहा है, इस नाते एक बार और r का होगा dr/dt, मैंने यहाँ लिख दिया बराबर के। अब 3 3 कट जाएगा, 4π r² बराबर, और dr को यही लिखेंगे (dr) (dr), dt का k में गुणा करेंगे तो जाएगा k (dt), ठीक है। अब क्या होगा, अब जरा गौर से सुनिएगा, कोई लड़का बोला माइंड मत कीजिए, खेलते हैं बच्चे। अब होगा दोनों पक्षों का समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह लग जाएगा,
चार पाई अचर पद है, आर स्क्वायर का समाकलन होगा आर के सापेक्ष, तो चार पाई आर स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा आर क्यूब बटे तीन, और बराबर इधर के इंटू डी टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा, टी के सापेक्ष समाकलन होगा। देखिए मैं गलती बोल रहा हूँ, यहाँ पर टी के सापेक्ष समाकलन है, तो के आपका अचर पद हो गया। यहाँ पर वन ले लीजिए अपने मन से, वन तो वन डी टी का समाकलन टी होगा। जैसे वन का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स होता है, ऐसे वन का समाकलन टी के सापेक्ष टी हो गया, यानी के टी। अब जोड़ देंगे प्लस में बढ़कर सी, समीकरण नंबर एक। क्लियर? अब क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब कंडीशन रखेंगे, क्या बोला गया है, यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या t, आरंभ का मतलब हुआ शुरू में, शुरू का मतलब हुआ कि t का मान 0 और r का मान 3। बोले ना आरंभ में त्रिज्या 3, चलो 3, आरंभ मतलब शुरुआत में समय कितना रहा होगा, 0 रहा होगा भाई। जब फूलना शुरू हुआ तो फूलने से पहले, फूलना शुरू होने से पहले समय 0 रहा होगा ना, इस नाते 0 लेंगे, आर का मान 3 लेंगे, इसी में रखेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से टी का मान 0 रखेंगे, आर का मान 3। यहाँ 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 27 को 3 से काटेंगे, 3 9 27 9 आएगा, 9 चौक 36 पाई, 36 पाई। के का मान कुछ नहीं, टी का मान 0, तो टी का मान 0 गुणे के तो जाएगा 0 बराबर सी, 0 ये टोटल 0 हो गया, टी का मान 0, 0 प्लस सी, सी बराबर 36 पाई आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सी के इस मान को फिर एक में रखेंगे। फर्स्ट से सी बराबर 36 पाई, और फिर दूसरा कंडीशन भी उसी में लगा दीजिए, 3 सेकंड बाद, मतलब अब टी का वैल्यू 3 हो रहा है, ध्यान दो मेरे भाई, 3 सेकंड बाद मतलब टी का वैल्यू 3, 6 इकाई है, क्या चीज़, त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई और 3 सेकंड बाद 6 इकाई, यानी अब की बार टी का मान 3 और आर का मान 6 रखना है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में या फर्स्ट से सी बराबर 36 पाई, टी बराबर 3, आर बराबर 6 रखेंगे हम। चलिए रखा जाए, आर का मान कितना रखना है, देखो 6 लिख रहा ना, तो 6 6 36, 6 का 216 बटे 3, 4 पाई गुणे 216 बटे 3 के इंटू टी, तो टी का मान 3 है तो जाएगा 3 के प्लस सी, सी का मान 36 पाई है। ठीक है, अब एक काम करो, 3 से इसको काटो, 3 7 21, 3 2 नीचे 72 हो गया, फिर 3 से दोनों पक्षों में भाग चला जाएगा, इसमें इसमें इसमें, तो 4 पाई गुड़े 3 से 72 काटेंगे, 24 3 72 होगा, 3 से इसको काटेंगे तो 1 के होगा, 3 से इसको काटेंगे तो 12 3 36 12 पाई होगा। ठीक है भाई, तो अब क्या होने वाला है, यहाँ से के का वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना आएगा ध्यान दीजिए, ओहो अभी ये और कट जाएगा अच्छे से, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, 24 चौका कितना होता है, 4 चौक 16 को 6 हासिल, 4 चौक 16 को 6 हासिल, 1 4 2 8 9 96 पाई, 12 पाई इधर आएगा, -12 पाई बराबर के, 96 में से 12 घट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा 8, 84 पाई बराबर के का मान आ गया 84 पाई। अब क्या करेंगे, अब फाइनल काम करेंगे, फाइनल 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 काम कैसे होगा, देखो फाइनल भी होने वाला है कैसे, आर यहाँ पर देखो, उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या ज्ञात करना है,
यानी आर का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर का मान है, तो केवल आर का वैल्यू निकालना है। तो इसी समीकरण नंबर एक में अब की बार क्या रखेंगे? अब के की वैल्यू, ठीक है, और हाँ के की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे और टी की वैल्यू रखेंगे टी सेकंड बाद, टी की वैल्यू टी रहेगा। समीकरण एक से ध्यान दीजिएगा, चार पाई बटे तीन आर क्यूब बराबर के की वैल्यू 84 पाई, देखो वहाँ पे 84 पाई, और टी का वैल्यू टी रहेगा, प्लस सी का वैल्यू 36 पाई। अब बच्चे कहेंगे सर टी का वैल्यू टी क्यों रहने दिया, टी का वैल्यू बच्चे कहेंगे 3 रख दीजिए। नहीं, इसमें कहा गया है टी सेकंड बाद, यानी टी की जगह पर टी ही रहेगा, समझे। अब 4 से यहाँ कट जाएगा, ये जगह पर आई बटे 3 आर क्यूब 21 चौक 84 21 पाई टी प्लस 9 चौक 36 9 पाई, ठीक है। दोनों पक्षों से पाई पाई कट जाएगा, देखो पाई 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 दोनों पक्षों से कट जाएगा, बटे का 3 और 3 का कूड़ा इसमें हुआ 61 63 आर क्यूब बराबर 63 टी प्लस 3 9 27। अगर आर का वैल्यू निकालना है, बोला ना त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो 3 घात उधर जाएगा तो होल पावर करड़ी में लग जाएगा घनमूल, या तो ऐसे लिख दीजिए 63 टी प्लस 27 की होल पावर 1/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, दोहरा लीजिए, समझ जाएंगे। परेशानी है थोड़ा बहुत, लेकिन एडजस्ट कीजिए।